महेश्वरी, हमारी जैसे करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो हमारे अक्टूबर मंथ के ऑलरेडी 3 वीक करंट अफेयर्स हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ का 4th वीक करंट अफेयर्स। जो भी हमारे बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे हम आज सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी 3 वीडियोस में हम बाकी के करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी वो थी हुई थी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, कब फॉर्मेशन हुई, किसके कौन प्रेसिडेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो स्टूडेंट्स उस वीडियो से गो थ्रू नहीं हुए तो प्लीज आप उस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड बाकी आपको बहुत सारी हेल्प मिली रही है ऑलरेडी करंट अफेयर लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ, तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी 4th वीक की, अक्टूबर 4th वीक की इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। टन चाओ, When is UN Disarmament Week 2023 observed? United Nations Disarmament Week 2023 कब देखा जाता है जी, ऑब्जर्व किया जाता है। डिसआर्मामेंट होता है हथियार कम करना, हथियार खत्म करना, ठीक है जी, आर्म रिडक्शन करना जिसे हम बोलते हैं कि जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो हार्ड वेपन्स हैं, जिन वेपन से दुनिया को खतरा है उनको खत्म करना, ठीक है जी, दैट इज डिसआर्मामेंट। तो UN Disarmament Week कब से कब होता है देखते हैं जी। 18 to 25 अक्टूबर, 20 to 27 अक्टूबर, 22 to 29 अक्टूबर या 24 to 31 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 24 to 31 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट वीक, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है जी, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, दुनिया का पहला देश कौन सा जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च की है। रेलगन एक वेपन है जो खास करके इस नेवी की शिप्स पे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है जी, और ये केमिकल की जगह या किसी हाइड्रोजन की जगह या किसी ऐसे फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, ठीक है जी, टू अटैक, है ना, टू फायर द वेपन्स, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। तो ये जो एडवांस दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, एडवांस रेलगन, ये किसने लॉन्च की। ऑप्शन देखते हैं, चाइना, इसराइल, नॉर्थ कोरिया या जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, जापान, ठीक है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्या है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, किसने लॉन्च की है, जापान ने। जापान की कैपिटल आप लोगों को मालूम है जी, फेमस टोक्यो सिटी, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। और एक और चीज बताते हैं जी, जापान इज द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट मोनार्की, दुनिया का सबसे पुराना राजशाही शासन है जापान। जापान के प्रेजेंट किंग हैं जी नारू हितो। डन, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट देखते हैं जी, एंथूरियम फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इन विच इंडियन स्टेट। एंथूरियम इज अ प्लांट, बहुत प्यारा सा पत्ता है, इस प्लांट का लीफ है जी। एंथूरियम फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। डन, तो ऑप्शन देखते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम या सिक्किम। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मिजोरम, जो एंथूरियम फेस्टिवल है, ठीक है, ये कहां पे सेलिब्रेट होता है जी, इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल क्या है, एज़वाल, AIZWAL, एज़वाल। अगला, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस फ्री वीजा टू इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने वीजा फ्री, फ्री वीजा, है ना, वीजा फ्री सर्विसेज अनाउंस के इंडियंस के लिए टू बूस्ट टूरिज्म, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। डन, तो ऑप्शन देखते हैं जी, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका या न्यूजीलैंड। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, श्रीलंका, ठीक है। वैसे भी आजकल अगर आप देखो तो इंडिया के रिलेशन श्रीलंका से अच्छे चल रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, हमने उनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी में बहुत हेल्प की है, ठीक है, उनको फंडिंग प्रोवाइड की, उन्हें फूड प्रोवाइड किया, ठीक है, जिस टाइम उनके देश में इमरजेंसी चल रही थी। तो श्रीलंका ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, तो क्या वीजा फ्री अनाउंस किया इंडियंस के लिए, है ना, तो वहां पे टूर, कोविड के बाद टूरिज्म कम होने के कारण फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, तो ऐसी कुछ चीजें झेल रहा है श्रीलंका, ठीक है। वन मोर कंट्री, एक और कंट्री है थाईलैंड, ठीक है जी, इसने भी 6 मंथ्स के लिए, 6 महीनों के लिए वीजा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए, ठीक है जी, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, नवंबर टू अप्रैल वीजा फ्री रहेगा थाईलैंड के लिए। तो आप जो घूमने जाना चाहता है वो जा सकता है क्योंकि अभी वीजा का झंझट खत्म। डन, वेल, नेक्स्ट, वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड पोलियो डे कब होता है जी। ऑप्शन देखते हैं, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या 30 अक्टूबर। तो जो वर्ल्ड पोलियो डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो वर्ल्ड पोलियो डे होता है 26 अक्टूबर को, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर को, ठीक है जी।
पोलियो कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल है, वायरल? पोलियो इज अ वायरल डिजीज, पोलियो वायरल डिजीज है, ठीक है जी। जनरल फैंड्स में होती है, बैकबोन या जो बाकी बोन्स हैं इसमें, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, डन। और पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है, ताकि पोलियो ना हो, तो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, दैट इज ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ओपीवी, ठीक है। इंडिया में से पोलियो इरेडिकेट हो चुकी है 2011, ईयर याद रखना, इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ जी? 2011 में इंडिया बिकेम पोलियो फ्री, ठीक है जी, 2011 में, डन। और आज की डेट में दो ही कंट्रीज हैं जहां पे पोलियो एग्जिस्ट कर रही है जी, दैट इज कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये दो ही कंट्रीज है जहां पे आज की डेट में पोलियो एग्जिस्ट कर रही है, बाकी पूरी दुनिया में से पोलियो इरेडिकेट हो चुकी है। इसकी थीम क्या थी? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, जम्मू कश्मीर का एक्सेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे क्या है जी? जब महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर हरी सिंह, महाराजा महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में मिला के इंडिया का पार्ट बनाया गया, ठीक है जी। तो आजादी के बाद एक बार तो जम्मू कश्मीर सेपरेट था, वहां पे महाराजा हरि सिंह का राज था, लेकिन पाकिस्तान से जब कबायलियों ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पे, तो महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार से मदद की गुहार की, तो भारत सरकार ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने को बोला कि अगर आप जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिलाते हो तब हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा इंडिया का हिस्सा बनाया गया। तो ये एक्सेशन डे कब होता है? जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे, ठीक है जी। ऑप्शन देखते हैं, 26, 27, 28, 29, ठीक है। इट इज 26th of October, ठीक है जी, 26th October 1947 को जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग बना, ठीक है जी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सॉरी महाराजा हरि सिंह ने सॉरी महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन की, डन जी। चलो नेक्स्ट, सुमित अंटिल बिलोंग्स टू विच गेम? सुमित अंटिल कौन सी गेम को कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन दार, पैराशूटिंग, पैरा जेवलिन, पैरा जंपिंग या पैरा शॉटपुट, ठीक है। तो सुमित अंटिल बिलोंग्स टू पैरा जेवलिन, इज अ पैरा एथलीट, हमारे पैरा एथलीट हैं सुमित अंटिल, ही बिलोंग्स टू पैरा जेवलिन। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी 73 मीटर से भी ज्यादा का, ठीक है, ग्रेटर देन सॉरी तो लेस देन हो गया। ठीक है जी, ग्रेटर देन 73 मीटर से भी ज्यादा का थ्रो मारा है किसने? हमारे जो पैरा जेवलिन एथलीट है सुमित अंटिल ने, और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, ठीक है जी। सो सुमित अंटिल बिलोंग्स टू पैरा जेवलिन। और जो हमारी पैरा एशियन गेम्स चल रही है, कहाँ पे बनाया? पैरा एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स का वेन्यू क्या है? सेम, दैट इज हैंगजो, चाइना। अगला देखते हैं, हरिमो शक्ति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, हरिमो शक्ति कौन से दो देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? ऑप्शन देखते हैं, मालदीव्स, म्यांमार, मलेशिया या मोजेम्बिक। तो इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, काफी सालों से चल रही है, हरिमो शक्ति, डन। अगला, विच बॉलीवुड एक्टर इज अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन? बॉलीवुड के कौन से एक्टर हैं जिन्हें अभी जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं उसके लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया? जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड त्रिपुरा, ठीक है जी। 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं और इसके लिए जो नेशनल आइकन बनाया गया वो देखते हैं जी, शाहरुख खान, विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ या राजकुमार राव। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, राजकुमार राव को बनाया गया इलेक्शन आइकन बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। और इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट भारत एक्स, दिस इवेंट बिलोंग्स टू इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा
एक इवेंट होस्ट करने जा रहा है भारत टेक्स, तो ये इवेंट किस चीज के साथ लिंक कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स या साइबर सिक्योरिटी। उसका करेक्ट आंसर, यही वाले पहले तीन वर्ड उठा लेते हैं, इट बिलोंग्स टू टेक्सटाइल्स। ठीक है जी, जो ये हमारा भारत टेक्स है, ये टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है वर्ल्ड में। अगला देखते हैं, ऑन 27 अक्टूबर 1947 इंडियन फोर्सेस लैंडेड इन कश्मीर, जो अभी हमने किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, एंड दिस ऑपरेशन इज मार्क्ड एज द फर्स्ट सिविल मिलिट्री विक्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत की ये पहली सिविल मिलिट्री विक्ट्री थी। ठीक है जी, नेम द इवेंट। तो कौन सा ऑपरेशन था या कौन सा इवेंट मनाया जाता है जब इंडियन फोर्सेस लैंड की थी जम्मू कश्मीर में, जब महाराजा हरि सिंह की हमने मदद की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया? तो ऑप्शन आर पराक्रम दिवस, विजय दिवस, वीरता दिवस या शौर्य दिवस। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, शौर्य दिवस। इट इज मार्क्ड एज शौर्य दिवस। ठीक है जी, जब हमारी फोर्सेस कश्मीर में लैंड की, जम्मू कश्मीर में। डन जी, अगला देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल किक्ड ऑफ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हॉर्नबिल फेस्टिवल रिसेंटली, हॉर्नबिल फेस्ट, हॉर्नबिल एक पक्षी है जी। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या ट्राइबल फेस्टिवल है और इंडिया के कौन से स्टेट में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है? इंडिया के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, मिजोरम, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, नागालैंड। ट्राइबल फेस्टिवल है, नागालैंड में सेलिब्रेट होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्षी हॉर्नबिल। ठीक है जी, अगला देखते हैं, नेम द 10 डे लॉन्ग ट्राइबल फेस्टिवल स्टार्टेड इन अहमदाबाद गुजरात एंड इनॉग्रेटेड बाय गुजरात सीएम एंड यूनियन टाइप ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। गुजरात के सीएम है भूपेश पटेल, सॉरी भूपेंद्र पटेल, गुजरात के भूपेश, भूपेश बघेल याद आ गए। ठीक है जी, इट इज भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल, ठीक है जी, इन्होंने और जो हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, इन्होंने मिलकर इनॉग्रेट किया। ठीक है जी, सो इस 10 दिन लंबे ट्राइबल फेस्टिवल का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जनजातीय महोत्सव, आदि महोत्सव, बिरसा महोत्सव या टुसू महोत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, आदि महोत्सव। ठीक है, इंडिया के अलग अलग शहरों में होता है आदि महोत्सव। ठीक है, ये ट्राइबल फेस्टिवल है और जो बिरसा, ये जो वर्ड बिरसा, बिरसा मुंडा को ट्राइबल अपना भगवान मानते हैं। ठीक है जी, तभी वो बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा। लेकिन जो ये ट्राइबल फेयर है या ट्राइबल फेस्टिवल है, ये इसका नाम है आदि महोत्सव, जो 10 दिन लंबा फेस्टिवल अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, विच इंडियन कंपनी इज फर्स्ट आईफोन मैन्युफैक्चरर? भारत की कौन सी कंपनी है जो पहली आईफोन मैन्युफैक्चरर बन गया, अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आईफोन? तो ऑप्शन देखते हैं, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा या लावा इंटरनेशनल। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, टाटा। ठीक है जी, टाटा बना रहे हैं आईफोन। अगला देखते हैं, रिसेंटली स्पॉन्ज बॉम्ब्स वर इन न्यूज मेड बाय विच कंट्री? स्पॉन्ज बॉम्ब न्यूज में रहे हैं जी। स्पॉन्ज बॉम्ब एक सिस्टम है, जब ये बॉम्ब जहां पे गिरते हैं वहां पे एक हार्ड स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और जहां पे कोई गैप है, ठीक है, कोई गैप है, कोई हॉल है, कोई गुफा है, तो वो बंद हो जाती है, कोई टनल है तो वो बंद हो जाती है। तो ये मेरे वर्ड टनल से आपको शायद समझ आ गया होगा कि आजकल टनल टनल वर्ड कहाँ पे चल रहा है। तो स्पॉन्ज बॉम्ब कंट्री, कौन सी कंट्री ने बनाए? ऑप्शन देखते हैं, इसराइल, रशिया, यूएसए या ईरान। तो आजकल कंफ्लिक्ट चल रहा है ईरान, मतलब सारी जगह कंफ्लिक्ट चल रहा है, जो भी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन है, इसराइल। ठीक है जी, तो इसराइल ने टेस्ट किया या यूज किया स्पॉन्ज बॉम्ब, राइट। अगला देखते हैं, नेम द नेशनल हैकेथॉन ऑन 5G टेक्नोलॉजी कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है जी, न्यू दिल्ली में एक 5G हैकेथॉन हुई थी। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका कंपनी का नाम बताना है जी। ऑप्शन दार, विमर्श, उत्कर्ष, परामर्श या सारंश। इसका करेक्ट आंसर है, बहुत क्लोज ऑप्शन है, ऑप्शन है एज विमर्श। इसका करेक्ट आंसर है विमर्श। इट इज अ हैकेथॉन ऑन 5G टेक्नोलॉजी, रिसेंटली दिल्ली में कंडक्ट हुई है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु बिकेम द किंग ऑफ मलेशिया? मलेशिया के नए किंग कौन बन गए हैं जी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इब्राहिम इस्कंदर चौहर, अब्दुल्ला ऑफ पहांग, टेंकू पुटेरी इमरान या टेंकू आमिर नासिर। तो जो ऑप्शन ए इज इब्राहिम इस्कंदर जौहर, जो जौहर स्टेट के प्रिंस हैं जी, इब्राहिम इस्कंदर जौहर, ही बिकेम द प्रिंस ऑफ, या ही बिकेम द किंग ऑफ मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है जी? क्वाला लंपुर, क्वाला
लमपुर और करेंसी क्या है? रिंगेट्स। ठीक है जी। अगला, वर्ल्ड सिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड सिटीज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे होता है जी 28, 30, 31 या 1 नवंबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टी, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को होता है जी वर्ल्ड सिटीज डे। ठीक है। अगला, विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ऑब्जर्व किया जा रहा है? ऑप्शन है 30th to 5th November, 30th October to 5th November, 28th October to 3rd November, 24th October to 31st October या 26th October to 2nd November। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 30th October to 5th November वर्ल्ड विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला देखते हैं, नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पे सेलिब्रेट किया जाता है? द मैन ऑफ यूनिटी, जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को। ठीक है जी, 31 अक्टूबर को होता है यूनिटी डे। ठीक है जी, इनके बर्थडे पे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेशनल यूनिटी डे। डन जी। आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सरदार का टाइटल दिया महात्मा गांधी और बरदौली की विमेन में ड्यूरिंग द बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ। ठीक है जी। और इनके नाम पे इंडिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू, दैट इज दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर बना है जी, नर्मदा रिवर इन केवड़िया गुजरात। अगला देखते हैं, हु वॉन मैक्सिको सिटी ग्रां प्री, 2023 की मैक्सिको सिटी ग्रां प्री कौन जीत गया? ऑप्शन देखते हैं, मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेंज या वाल्टेरी बोटास। तो करेक्ट आंसर है जी द लेजेंड ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है जी, मैक्सिको सिटी ग्रां प्री कौन जीत गया? मैक्स वर्स्टैपन। अगला, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, किसे बोला जाता है जी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? ऑप्शन आर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या नंबी नारायण। तो जो इंडिया में बोला जाता है जी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दैट इज होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर है ट्रॉम्बे में। ठीक है जी, विक्रम साराभाई को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, नंबी नारायण भी साइंटिस्ट रहे हैं बहुत फेमस। ठीक है जी, सो होमी जहांगीर भाभा इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच इज द फर्स्ट स्टेट विद हॉल मार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया की पहली स्टेट कौन सी जिसने सारी डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स ओपन कर लेंगे? ठीक है जी, ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स पे हॉल मार्किंग होती है, ये किसने स्टार्ट किए? ऑप्शन सी केरला, हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, केरला। नेक्स्ट, हु वॉन बैलोन डी ऑर फॉर रिकॉर्ड 8 टाइम, बैलोन डी ऑर जो फुटबॉल में दिया जाता है जी, ठीक है, ये कौन से प्लेयर को मिला है 8वीं बार, 8 टाइम? ठीक है जी, रिकॉर्ड टाइम हो गया, 8 टाइम किसे मिला है बैलोन डी? और ऑप्शन देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, केलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी या रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए क्रिस्टियानो, सॉरी ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। ठीक है जी, 8 टाइम किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट, नेम इंडियन नेवी 25 टन बोलार्ड पुल टग। ठीक है, ये बोलार्ड पुल टग है जिसकी आपको इमेज दिख रही होगी, जिसका काम है टगिंग करना, खींचना बहुत ज्यादा पावर से किसी चीज को टग करना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है जो 25 टन का है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बना है ये? इसका नाम देखते हैं जी, मारीच, महाबली, मारुति या बजरंगी। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी महाबली। ठीक है, इस 25 टन के बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है? महाबली, इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया रिसेंटली। अगला देखते हैं, काजिंद इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश, काजिंद कौन सी दो कंट्रीज की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या ओमान। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए कजाकिस्तान, इंडिया और कजाकिस्तान मिलकर करते हैं काजिंद एक्सरसाइज, और इस बार ये ऑटर इन कजाकिस्तान वहां पर होने जा रही है। Who is awarded with Global Leadership Award for the philanthropy and corporate social responsibility? Philanthropy और corporate social responsibility के लिए किसे
जी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। फिलेंथ्रोपी होता है द लवर ऑफ मैन काइंड, ठीक है जी। फिलेंथ्रोपी इज जो डोनेशंस करना, ठीक है, मैनकाइंड के लिए काम करना, एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का करेक्ट आंसर देखते हैं जी, किरण मजुमदार शॉ, नीता अंबानी, फाल्गुनी नायर या सुनीता रेड्डी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नीता अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी की वाइफ एंड नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री से, तो इन्हें मिला है जी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, हु बिकेम हेड कोच ऑफ इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम। इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं जी, अमोल मजुमदार, अजीत अगरकर, अनिल कुंबले या जावागल श्रीनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अमोल मजुमदार। ही बिकेम द हेड कोच ऑफ इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम, हां जी, अमोल मजुमदार। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बाइट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, जिसमें हमने फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर कवर किया, ठीक है जी। तो और इन करंट अफेयर्स में हम इकोनॉमी बेस्ड, फिगर बेस्ड करंट अफेयर्स जनरली ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रो बैंकिंग वाले करंट अफेयर्स होते हैं हम वो जनरली ज्यादा कवर नहीं करें, ये ओवरऑल करंट अफेयर्स हैं, ठीक है जी, उसके लिए हमारा अलग से रहेगा। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो, और जो भी पिछली वीडियोस इनकी रह गई हैं तो आप पिछली वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए।